से प्लस हो चुका है या 18 पूरा हो चुका है, तो कैसे आप वोटर आईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस वेबसाइट पर आना है जो कि voters.eci.gov.in पर आपको आ जाना। देन आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखाई देगी जो कि वोटर सर्विस पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर द जर्नल आपका आ जाएगा, तो इस पर आपको फिल फॉर्म 6 पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन, अगर फ्रेशर हैं आप तो फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं तो आपको साइनअप पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको इसमें मोबाइल नंबर डालना है, इसमें ईमेल आईडी डालना है, देन उसके बाद इसमें कैप्चा डालकर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको इसमें फर्स्ट नाम डालना है, लास्ट नाम डालना है, इसके बाद आपको एक पासवर्ड कुछ हो इस क्रिएट करना है, और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड पर क्रिएट करना है, इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको ओटीपी सेंड सक्सेसफुल हो चुका है, जो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा उस ओटीपी को इसमें आपको मेंशन करना है, ईमेल आईडी पर जो ओटीपी गया होगा इसमें आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है।